पुनः शुभकामनाएं प्रिया कांजू कन्यादान योजना इन बेटियों के लिए जो 9 वर्षों से लगातार जो चल रहा है। और आप मुंबई में रहती हैं और मन हमेशा वृंदावन ब्रज में रहता है, इसलिए भगवान आपको यशस्वी बनाए। मैं कहता हूँ भगवान करे आपके आधार से आपकी एज का नंबर गायब हो जाए और आप ऐसे ही सेवा करते हैं। हमारा कोई नहीं है, आपके भाग्य आपको मिला है, आप यहाँ जो आई हैं यही आप इस सेवा को स्वीकार कर रही है और इन लोगों का भाग्य है कि आपके माध्यम से इनको भी अपने कल्याण करने का एक रास्ता मिलता है। हमारी सांसद महोदया का क्या नाम है? देखो ये कन्याएं बोल रही हैं और जब कन्याएं आशीर्वाद दे देती हैं तो फिर देवी ने आशीर्वाद दे दिया है। तो आप लोग सभी एक बार हमारी यानी सांसद महोदया का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा ब्रज में होली का इतना सुंदर सा आनंद है, ये देखकर मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आज तो बहुत ज्यादा ही होली खेल कर आए हैं, फूलों की होली में जो ध्यान देना, इंटरेस्ट लेना, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप सबको बहुत ही बधाई भी देती हूँ, आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि आपको ठाकुर देवकी नंदन जी जैसे एक मिले हैं ठाकुर जी जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेकर आपके सामने बहुत सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उस पर आप अपना मन लगाकर आप पढ़िए। जो आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं लगता है उसको पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मे भी कुछ और चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन उस पर पूरा ध्यान देकर पूरा श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ एक गोल बनाकर मुझे इसे हासिल करना ही है, ऐसे करेंगे तो आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपका मेन काम यही होगा कि देश की सेवा, देश के साथ मिलकर रहना। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई कर लिया शादी हो जाएगी इसके बाद जो पति भी आएंगे तो उनको पहले से एक कंडीशन डाल देना कि आपने जितना भी पढ़ाई की है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर काम बहुत अच्छा नौकरी मिलता है वो सब करने के लिए उनको वो घर वाले आपको आलो करें, क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ, जैसे मैं जब नृत्य क्षेत्र से हूँ, डांस बहुत सुंदर डांस सीखती हैं बचपन से, उनके माता पिता इतना अच्छा सिखाते हैं, गुरुजी को काफ़ी खर्चा भी होता है स्टेज पे परफॉर्मेंस करना। शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैं बोल रही हूँ, बाकी दूसरा बॉलीवुड डांस नहीं, शास्त्रीय नृत्य जो है बहुत ही और बहुत ही डिवाइन है, आध्यात्मिक है। शादी हो जाती है तो उसका पति बोलता है कि आप नृत्य नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, उसके बाद कभी जिंदगी में आगे बढ़ी नहीं, बस एक हाउसवाइफ। लेकिन हाउसवाइफ बनना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा काम है, घर का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को संभालना बहुत बड़ी बात है, तो वो महिलाएं करती हैं। किसी और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है किसी भी बच्चे को, यही मैं चाहूँगी, यही मेरी आशा है और यही मेरी आशीर्वाद है कि आप लोग बहुत आगे बढ़िए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी और भी करा, मुझे आपने हमेशा मुझे बुलाकर मेरा सम्मान किया है, मेरा साथ दिया है पिछले 10 साल से इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रिया कांजू कन्यादान योजना इन बेटियों के लिए जो 9 वर्षों से लगातार जो चल रहा है, ब्रज को जिस तरीके से उन्होंने सींचा है या कार्य किया है और जरूरत वैसे ही हमारे श्रीमती हेमा मालिनी जी उनका हृदय से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ से पिछले 8 सालों से
राशि का लाभ प्राप्त कर रही हूँ और इसी के द्वारा आज अपने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे पहुँच पाई हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि महाराज ठाकुर जी का प्रसाद या आशीर्वाद मुझे महाराज जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मैं जब क्लास 10th में थी तभी से मुझे इस धनराशि का लाभ प्राप्त हो रहा है और आज मैं 10th से MSc कर रही हूँ। आज तक मुझे धनराशि का लाभ प्राप्त हो रहा है और मैं चाहूँगी कि अगर आगे भी महाराज जी ठाकुर जी का आशीर्वाद मुझ पर बनता है तो मैं इस धनराशि का लाभ मेरी जैसी और कन्याओं को प्राप्त हो सके इसकी मतलब कोशिश करूँगी कि मैं भी ये धनराशि कन्याओं तक पहुँचा सकूँ। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। विद्या को ना तो जोरत के द्वारा चोरी किया जा सकता है और ना ही राजाओं में छीना जा सकता है और ना ही विद्या को आपस में बांटने से वह दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही जाता है। आभार व्यक्त करता हूँ, आपके माता पिता को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने इस विश्व शांति सेवा चय कर रहे हैं। सेवा करने वाला कितना भी तैयार हो पर सेवा लेने वाला ही तैयार न हो तो उस भावना का क्या होगा। तो आप लोगों ने हमारी सेवा को स्वीकार किया इसलिए आप लोग हमारे लिए आदर के से प्रार्थना करते हैं कि आप ही में से कई बेटियां इस देश में जाके इतनी प्रगति करें कि हमारा भी सीना गर्व से फूल सके। और इसी उद्घाटन के समय ये बनाया गया था कि हम 125 कन्याओं का प्रिया कांजू विद्या धन के माध्यम से ब्रज की 125 कन्याओं की शिक्षा से संबंधित सेवा करेंगे जिससे उन कन्याओं का भविष्य आगे बढ़े और वो ब्रज की बालिकाएं अपना और अपने परिवार का कुछ आगे बढ़ा सके, अपने आप को और अपने परिवार की सहायता कर सके। आज सुनकर देखकर यह हर्ष हो रहा है कि 2016 से लेकर आज तक 8 साल से कई कन्याएं लगी आई हैं अभी भी और वो आगे जाके बहुत आगे बढ़ गई हैं और वो आगे पढ़ रही हैं और आगे भी उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब हम कुछ बनेंगे हम भी ऐसी कन्याओं की सहायता करेंगे, उनको आगे पढ़ाएंगे। तो ये विचार आना बहुत ज़रूरी है। और आज देखो ये इतनी कन्याएं हैं, ये सब ब्रज की हैं और इनमें से कोई गोपी होगी, कोई ललता होगी, कोई विशाखा होगी, कोई सुदेवी होगी, कोई चित्रा होगी और कोई कोई तो सर्वेश्वरी राधा रानी होगी। इनकी सेवा करके हम प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं और यही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का दायित्व था, कर्तव्य था। और आगे भी जिन जिन लोगों ने विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को सपोर्ट किया है हम आपके चैनलों के माध्यम से उनको साधुवाद धन्यवाद देंगे कि राधा रानी उन्हें इतना दे कि अभी तो 125 हैं, भगवान करे 1025 हों और हम इन कन्याओं की सेवा करें।